नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचन में गेमर में। और आज मैं फिर से खेल रहा था एंशेंट अराइस मोड। अब आप थंबनेल देख के पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों थंबनेल बनाए, पागल टीममेट्स। भाई तुमको किस एंगल से टीममेट्स पागल लगते हैं ये देख लेना कि मेरे को क्यों मेरे टीममेट्स पागल लगते हैं। आखिर मतलब वीडियो में बने रहना, बिना स्किप किए वीडियो को देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं अपना एंशेंट रुइन पे उतर जाता हूँ, इधर गटका वाले रुइन पे उतर जाता हूँ। क्या पता उधर बंदे बंदे होंगे, ये सोच के रुइन पे उतर जाता हूँ। मेरे को उतरते ही मिल जाती है M249 और मेरे पीछे भी एक बंदा उतरा हुआ होता है, तो मैं सीधा उसके ऊपर पुश करने निकल पड़ता हूँ। और पीछे से आके इसको धप्पा कर देता हूँ। मेरा एम थोड़ा सा मतलब ख़राब है, लेकिन M249 की वजह से बच गया। अब मैं इधर थोड़ी और ढूंढ लूटपाट करता हूँ, तभी मेरे को आते हैं फुट स्टेप। मैंने पहले तो चेक किया कि बंदा है या बॉट है, लेकिन फिर मेरे को दिखा कि इधर उस तरफ मुख मुंडी करके बैठा है, तो मैं पूछ के इसको मारा। मेरे को लगा सामने होगा तो फायर किया, लेकिन कोई था नहीं, तो इसको पूरा फिनिश किया और इसकी भी पेटी पूरी लूट डाली। बंदे तो मिलने से रहे, इसलिए बॉट को ही धो डाला। इधर एक और बॉट आया, उसको मारने गया तो पीछे भाग गया, और फिर से आगे गया तो ख़त्म कर दिया। वह बॉट ही थे, आसपास एक भी बंदा नहीं दिख रहा था। मेरे को लगा कि कोई नहीं, इधर एंशेंट रुइन पे कोई उतरा नहीं होगा, पोचिंग की पे ही चलते हैं। ये सोच के मैं पोचिंग की तरफ निकल पड़ता हूँ। पोचिंग की में आया, मतलब पोचिंग में अभी तो घुसा नहीं था, तो यहाँ पर भी एक बॉट। हर जगह सिर्फ और सिर्फ बॉट ही भरे मिलेंगे। बंदे तो पता नहीं कहाँ चले गए, किसी कोई एक ही पॉइंट होता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हैं, बाद में बंदे होते ही नहीं हैं, बाद में सारे के सारे बंदे गए, पता नहीं कहाँ जाके छिप जाते हैं ये बंदे। अब मैं निकल पड़ता हूँ अंदर पोचिंग में, कुछ ढूंढने वगैरह कोई बंदा हो क्या हो, लेकिन कोई मिलता नहीं है। मैं गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ और भाई पता नहीं क्या चल रहा होता है 4 नंबर के दिमाग में, और वो खुद ही को नॉक कर देता है। मैं पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा था। मैंने अपना माइक ऑन किया और बोलने लग गया, क्या भाई तू क्या हो गया भाई, तेरे को खेलने का मूड नहीं है क्या, जो अपने ऊपर ही ग्रेनेड कर लिया। उसको डांटने लग जाते कि भाई तू पागल होगा लेके जो खुद ही पे नेट फेंक रहा है। मतलब एक नंबर पे इसको नेट फोड़ने की बड़ी इच्छा हो रही थी, इसलिए एक नंबर पे नेट फोड़ दिया। वाह वाह वाह, ऐसे ही बंदे मिलते, एक नंबर में पे नेट क्यों फोड़ रहा था पता नहीं। और भाई इधर दूसरी तरफ में आया, बंदे तो थे नहीं, बॉट ही थे। ऊपर भी जाके आया लेकिन कोई था ही नहीं, जोन आ रहा था, इसलिए मैं वापस नीचे आ गया, वरना मैं ऊपर जाके पूरा चेक कर लिया कि कोई है कि नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, बंदे तो मिल ही नहीं रहे थे, पूरे ढूंढ लिया। और ये देखो, पहले 4 नंबर ने 1 नंबर को नॉक करने की कोशिश की, वो खुद नॉक हो गया। अब 1 नंबर ने 2 नंबर को नॉक कर दिया। इतना ही नहीं, अभी आगे देखो भाई, इससे ज़्यादा बड़ा संकीर्ण प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा। अपने ही टीममेट को पहले ग्रेनेड से नॉक किया, और अपने टीममेट को फिर नॉक, टीममेट को ग्रेनेड से फिनिश कर दिया। वाह वाह, ऐसे नूबड़े टीममेट मेरे को ही क्यों क्राफ्टन देता है पता नहीं। गेम BGMI वाले मेरे को कह को ऐसे गधे टीममेट देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो मैं इधर आ जाता हूँ ड्रॉप लूटने। मैं जब ड्रॉप लूट रहा होता तब बोलता हूँ उसको, और वो मेरे को क्या बोलता है कि ग्रेनेड ले, ग्रेनेड नहीं है भाई मेरे पास, ग्रेनेड तू ग्रेनेड लेके आओ, मैं मर जाता हूँ। हाँ मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, मैंने बोला कि मैं तेरे को एक ग्रेनेड से फोड़ता हूँ, फिर सुनो क्या बोलता है। ओके भाई, ओके ओके। मतलब पहले ग्रेनेड से अपने टीममेट को फोड़ा, अब टीममेट को ही बोल रहा है कि ग्रेनेड से मेरे को ही फोड़ दे। वाह वाह वाह, कितना बड़ा गधा है। और 4 नंबर तो ऑफलाइन हो गया था, पता नहीं क्यों 4 नंबर भला क्यों ऑफलाइन हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आया। शायद गेम से बोर हो गया होगा, कैसा घटिया टीममेट मिला है ये सोच के। तो मैं इधर आया और 2 नंबर के दिमाग में बस ये चल रहा था बदला, और फिर देखो 2 नंबर क्या कर देता है। 1 नंबर को ग्रेनेड से नॉक कर दिया, और वो 1 नंबर भी देखो क्या बोलता है। और एक ग्रेनेड पिक, पिक बाय पिक,
मतलब भाई इनको ग्रेनेड से नॉक होने का बड़ा शौक चढ़ रहा है। वाह वाह वाह, ग्रेनेड से खुद ही को ग्रेनेड से नॉक फिनिश करवाने के लिए बोल रहे हैं। अभी गेम ही बैन हो गया और उसकी आईडी को रिपोर्ट भी मार रहा था नुबड़ा। अगर देख गेम ही बैन हो चुका है तो उसकी आईडी क्या बैन करवाएगा भाई। गेम ही पूरा बैन हो चुका है। और 15 अगस्त को मैंने चेक किया, 15 अगस्त को एडिटिंग कर रहा हूँ, 14 अगस्त की क्लिप है। तो मैं इधर एंशिएंट टेम्पल पे चेक करने के लिए गया, मेरे को पता नहीं था कि कोई है कि नहीं, इसलिए चेक करने का सबसे आसान तरीका बाइक की हवा में उड़ा दो। बंदे होंगे तो फायर ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई होता ही नहीं है। मेरे को पता नहीं किस बात की चुल मची, मैंने फिर से वही सा स्टंट करने की कोशिश की। गेम को मैंने 15 अगस्त को सर्च किया प्ले स्टोर पे सुबह, तो नहीं मिला। अब शाम को आएगा कि नहीं पता नहीं, शाम पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि गेम वापस आएगा प्ले स्टोर पे। ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो होगा ना। पबजी कोई अगर BGMI का नाम देके अगर लेकर आओगे तो थोड़ी सुनेंगे। मेरे को सामने से फायर आ रहे थे, मेरे को लगा बॉट फायर करने वाला कोई बंदा होगा। यही सोच के मैंने पहले तो आसपास चेक किया, फिर मेरे को पता नहीं क्यों लगा वेयरहाउस के अंदर बंदा हो सकता है, और वेयरहाउस के अंदर ही था लेकिन बॉट। भाई क्या चल रहा है, सभी के सभी बंदे कहाँ पता नहीं कहाँ मर गए, पता नहीं सब के सब कहाँ मर गए। मैंने फिर से ऊपर ये स्टंटबाजी की, लेकिन इस बार मेरे को ही डैमेज पड़ गया। मैं अंदर घुस गया, क्या पता कोई कैंपर वैम्पर हो तो मेरे को मार दे। को सामने बॉट फायर आ रहे थे, मतलब दो बॉट्स आपस में फाइट कर रहे थे, तो मैंने एक को फिनिश किया और दूसरे को भी उसी के पास भेज दिया। सामने से एक और बंदा आ रहा था, बंदा बॉट पता नहीं, उसके एक हेड लगा तो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन ख़त्म हो गया। मैंने आसपास प्लेन वगैरह भी चेक किया, कोई और एयर ड्रॉप होगा तो वहाँ से AWM को उठाऊँगा, लेकिन एक बंदा और घर के अंदर था, बॉट बंदे तो पता नहीं कहाँ मर गए थे, तो इस बॉट को भी ख़त्म कर दिया। हमें पोचिंग ही ढूँढाया, एंशिएंट रुइन पे ढूँढाया, एक बंदा इधर से बंदा बॉट ही होगा, आई थिंक बॉट ही होगा जो भाग के जा रहा था। बंदा होता तो शायद मेरे पे फायर ज़रूर करता। मैंने पोचिंग की छान मारा, एंशिएंट रुइन छान मारा, ऊपर भी गया, ऊपर पिरामिड पे, फिर भी कोई बंदा नहीं मिला। मैं पूरा पहाड़ पार करके आया और वो कैंपर क्या करता है देखो, पट्टा से हेडशॉट। मैं उधर से आया जिधर से इसने फायर किया ना, मैं उधर से बाइक भगाते हुए आया, लेकिन तब इसने कुछ नहीं बोला और दो नंबर साथ में था इसलिए ठीक, और दो नंबर इतना भी पागल नहीं था भाई, बस यही एक बंदा ठीक था, बाकी दोनों के दोनों गधे ही थे। मैंने बोला कि भाई आ जा, वो थोड़ा सा डर रहा होता है कि क्या पता मेरे पे उसके भी हेडशॉट पड़ जाए। मैंने बोला नहीं भाई वो नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेरे को कवर है, रास्ते का ही कवर है। तो एक और बॉट होता है तो बॉट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, वरना वो मेरे को ख़त्म कर देता, इसलिए मैं एक मेरे 1 HP हो गया था तो एक ग्लास लगा लिया। और मैंने चेक किया बंदा है कि नहीं, ताका झाकी कर रहा होता हूँ, लेकिन तभी मेरे को दिखती है गाड़ी। मैंने गाड़ी पर फायर किया भाई, मेरे को यार स्प्रे की प्रैक्टिस करनी चाहिए यार, कसम से। मैंने उसको मारा, एक भी गोली उसको लगी नहीं, पता नहीं क्यों एक भी गोली उसको लगी नहीं। मैं ताका झाकी कर ही रहा होता हूँ कि कहाँ पर होगा, इधर कहीं होगा, लेकिन तभी आते हैं मेरे को फुटस्टेप। मैं भाई चला गया उसको ढूंढने के लिए, कहाँ पर होगा ये ढूंढने के लिए मैं अंदर घुस जाता हूँ, और जब जाता हूँ वो देखो क्या कर रहा होता है। मतलब इधर बंदा कोई आने मारने के लिए आ रहा है और तू मोली उसके मुंह पे ऐसे फेंक के मारेगा। वाह 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 वाह, इसको बोलते हैं बहुत बड़ा प्रो। लेकिन इसके चक्कर में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, तो मैंने सबसे पहले गन को रिलोड करना सही समझा, वरना मेरा ही बैंड बजाएगा, लेकिन तब तक वो मेरे टीममेट को मार के भाग जाता है। मेरे को समझ गया था कि नहीं आगे होगा, और मैं उसको भी पूरा ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी मैंने फिनिश कर दिया। अभी बस इनका एक ही टीममेट बचा था, मैंने पहले गन को पूरा रिलोड किया और इसको M4 से ख़त्म किया। अभी मुझे लगा कि वो उसको रिवाइव देने के लिए ऊपर चढ़ गया होगा, अब तो सोचा कि सबसे पहले तो अपना हीलिंग वीलिंग कर लेते हैं, हीलिंग घर पे थोड़ी लेके जानी है, हीलिंग का मैं करूँगा क्या, इसलिए सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा हील किया, गन को पूरा का पूरा रिलोड किया ताकि पूरी की पूरी गोलियां उसी के भेजे में डाल दूँ।
मेरे को लगा कि शायद ऊपर वो उसको रिवाइव कर रहा होगा, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के आया, लेकिन ये इधर ही रेंग रहा होता है, तो मैं उसको लॉबी में भेज देता हूँ। और तभी मेरे को नीचे फुटस्टेप आता है, तो मैंने सोचा कि चलो कूद ही जाता हूँ इसके मुंह पे, लेकिन भाई अंदर भाग जाता है। मेरे को आया गुस्सा, मैंने सोचा कि इसके मुंह पे नेट फेंक के मारता हूँ, और नेट के सस्ते नशे भाई ग्रेनेड का क्या पता नहीं एनिमेशन कुछ हुआ ही नहीं, सीधा फेंक दिया, और उसको शायद डैमेज पड़ा होगा इसलिए जब ग्रेनेड फूटा मैं अंदर घुसा, मैंने उसको मारने की कोशिश की, ना मेरी गोली उसको कनेक्ट हुई ना उसकी मेरी, मेरे को लगा ये मेरे पे पुश कर रहा है, लेकिन ये अंदर जाके हील कर रहा होता है। MG3 से पूरा ख़त्म ही कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।